हेलो फ्रेंड, नमस्ते। हमारे गार्डन में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं करी का पत्ता, करी पत्ता। मीठा नीम, हाँ। करी लीव्स बोलते हैं जिसे। और ये हर जगह कोई कोई कुछ बोलता है तो मीठे नीम के नाम से ज़्यादा। और ये प्लांट्स मतलब कि अच्छा प्लांट है, अपन सब्जी वगैरह में यूज़ करते हैं, कढ़ी में यूज़ करते हैं, और हर सब्जी जैसे ग्रेवी वगैरह सब्जी में यूज़ किया जाता है। और इसके लिए मिट्टी की बात करते हैं सबसे पहले। तो इसकी मिट्टी वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए, पानी नहीं रुकना चाहिए इसमें, खड़ा खड़ा पानी नहीं होना चाहिए। और मैं एक छोटा सा लेके आई थी, ये सिर्फ इसकी एक टहनी थी, और मैंने इसको पहले से ग्रो होने दिया अच्छे से। अब मैं सोच रही हूँ उसको थोड़ा सा और अच्छे करने के लिए, भूसी करने के लिए। तो मिट्टी इसकी वो 1/3 गार्डन सूअर, बजरी और कंपोस्ट, 1/3 का रिश्वत रखते हैं, और बराबर करके वेल्ड्रन मिट्टी होनी चाहिए। और पानी इसकी, वैसे ही आउटडोर प्लांट है, लेकिन इसको आउटडोर नहीं, ऐसे नहीं कि धूप में ही रहेंगे, धूप में नहीं, इसको सेमी शेड, जैसे गर्मियों में तो अपन को ऐसी जगह रख देना चाहिए जहाँ पे मतलब कि 2-3 घंटे की धूप आती हो, सेमी शेड जैसे एरिया में। और अब जैसे सर्दियाँ आ रही हैं तो इस टाइम पे अपन इसको धूप की जगह शिफ्ट कर देंगे तो ये अच्छा हो जाएगा प्लांट। और रेनी सीजन में तो कटिंग से भी लग जाता है ये, और अभी यदि नहीं लगाया तो अभी भी लग जाएगा, अक्टूबर में भी लग जाता है ये प्लांट। और वैसे ठीक है, फर्टिलाइजर की बात करें तो इसमें फर्टिलाइजर सबसे अच्छा रहेगा इसमें अपना जो चावल धोते हैं अपन, राइस तो वाटर। हाँ राइस वाटर वो सही रहेगा, वो डालें आप इसमें। और आपके पास यदि छाछ, खट्टी छाछ है, घी जो से बटर निकाली हुई जो खट्टी छाछ होती है वो मिल जाए तो वो बेस्ट है इसके लिए, तो वो डालें इसमें आप, तो ये मतलब कभी मरेगा नहीं, अच्छा रहेगा प्लांट ये। और इतनी मेंटेनेंस इसकी वो है नहीं अपने, तो अब पानी इसको मतलब कि इतना दे, बस मॉइस्चर बनाए रखे मिट्टी में ऐसे, एकदम सूखा नहीं करना। हाँ सूखा नहीं रखे, बस जैसे अपन हर प्लांट का देखते हैं ना, जैसे स्नेक प्लांट का है कि इतना 2 इंची ऐसे हो जाए, तो इसमें नहीं है, इसमें हमेशा मॉइस्चर बनाए रखे। और इसको भूसी करने के लिए, जैसे मेरे पास ये पहले एक सिंगल था तो मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया था, यहाँ से कट कर दिया था तो ये आ गया था, इसमें ये ब्रांच आ गई थी। अब इसकी 2 ब्रांच हो गई। अब ये जैसे यहाँ से मैंने कट किया था तो ये ब्रांच निकल आई थी, ये वाली ब्रांच निकली आई थी। अब इसको अपन यहाँ से काट देंगे, ट्रिम कर देंगे तो ये मल्टीप्लाई होती चली जाएंगी। और जैसे ये मैंने देखो ये गलती की हुई है, जब भी अपन को इसके कोई लीव्स तोड़नी हो ना जैसे करी के लिए, तो इसकी पूरी स्टेम्प ऐसे करके तोड़नी है, ऐसे अच्छा हटा लेनी है हाँ, उसको। ना कि ऐसे करके तोड़ना है, खींच के नहीं, जैसे ऐसे तोड़ लेते हैं ना, ऐसे 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 नहीं तोड़नी है, तो ये नुकसानदायक होती है इस पेड़ के लिए। तो जैसे अपन को यदि करना है तो पूरा मतलब कि वो करें, और गमले में थोड़ा सा इसका रहता, आपने तोड़ी ना एकदम से स्मेल आई हाँ इसकी। स्मेल आती है, इतनी अच्छी है वैसे हिलाने से, जैसे खुशबू अच्छी स्मेल आती है, तो सब्जी में भी डालते हैं तो। और वैसे ये बालों के लिए मेडिसिन घास प्लांट के है कच्ची ये, पत्तियां खा कच्ची रहे, पत्ती खाने मीठी से लगती है ना फिर हाँ, तो। तो इसमें वैसा पेस्टिसाइड नहीं डालना है। हाँ हाँ 15-20 दिन के अंदर आपके पास नीम ऑयल है, नीम ऑयल का स्प्रे मार सकते हैं इसमें, और खाद इसमें फर्टिलाइजर नहीं डालें ऐसा मतलब कि, क्योंकि इसको अपन डायरेक्ट यूज करते हैं तो वैसा डाल दें तो फिर गलत होगा, तो इसमें सिर्फ नीम ऑयल ही यूज करें। और अच्छा है प्लांट, सब लगाएं अपने गार्डन में। इसका और ग्रोथ सीजन वैसे समर्स में होता है ना। समर होता है अब ये, अब इसको यदि आपके पास है ये प्लांट तो थोड़ा इसको धूप में रख दें इसको, इस टाइम पे। हाँ अब सर्दी में इसको जैसे धूप आती है, इतनी धूप अच्छी लगे इसके लिए।
और इसके लिए इतनी जानकारी हुई मेरे पास इतनी। फ्रेंड्स आपको हमारा चैनल कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अब हम ऐसे ही वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।